हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटियों को कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, ये मेरे पास है ना सुबह की रोटी है, तो ये बच जाती है या शाम को भी बच जाती है रोटियाँ, तो सभी इसको यूज कर सकते हैं अगर खाए तो इनका है ना हम रोटी रोल बनाऊंगी मैं। तो ये मेरे पास है ना रोटियाँ हैं तीन, तो पहले इनके लिए बनाते हैं सब्जियाँ। ये मेरे पास ना तीन बड़े वाले आलू है, इनको बॉईल करके मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है। ये मेरे पास एक शिमला मिर्च है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। एक प्याज है, ये भी बारीक काट ली। अगर प्याज आप खाना चाहें तो रखें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। ये धनिया है, ये हरी मिर्ची है। तो बस मेरे पास यही सामान लेंगे, इसमें ज्यादा सामान यूज नहीं होता, एकदम सिंपल रेसिपी है। तो इसके लिए हम पहले सब्जी तैयार करते हैं। तो गैस की तरफ चलते हैं, पैन चढ़ा है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल हम थोड़ा ही यूज करेंगे क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है। तेल हमारा अच्छा सो गया, इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, अच्छा लग गया। इसमें डाल दूंगी प्याज, शिमला मिर्ची साथ में डाल देंगे, हरी मिर्ची, एक प्याज भी अच्छी सी भून गई। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो मसाले थोड़े ही थोड़े रखना है। ये है ना आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर है, थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच, सब चीजें हमें आधी आधी लेनी है क्योंकि ज्यादा तीखा नहीं रखना है, तो बच्चों के हिसाब से बन रहा है। ये ऐसी चीजें ना अटपटी बच्चों को बहुत पसंद आती है। हम डाल देंगे आलू जो हमने मैश करके रखे, आलू को अच्छे से मिला देंगे। अभी एक चीज और हम रुक के चल रहे हैं, वो क्या है आप सबको पता है, उसके बिना अधूरा है सब कुछ। जी हाँ, नमक। नमक बिना तो कुछ भी नहीं है। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, ज्यादा नमक नहीं, तेज रखना है। और ये हमारी है ना आलू की सूखी सब्जी बनके रेडी है। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। तो गाइस, सब्जी को मैंने दूसरे बर्तन में ले लिया। अब ये ठंडी हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं, ये कटोरी लेते हैं। अब इसमें हम है ना चार चम्मच के बराबर है ना मैदा लेंगे, एक ये मैंने चार चम्मच ही लेनी है, ज्यादा नहीं। हम पानी डालेंगे हल्का सा, इसका घोल तैयार करना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, बीच के साइज का रखना है। बस मुखना इसका घोल ऐसे ही रखना है, ज्यादा पानी नहीं रखना, मैं अच्छे से घोल देती हूँ ताकि इसमें ना इतनी लंग्स नहीं रहे। तो गाइस, साथ में ना हम ऑयल भी तैयार कर लेते हैं। ऑयल को मैं गर्म करने रख देती हूँ ताकि ये ना ये सारा सामान हमारा साथ साथ में बनता जाएगा ना, तो हमें टाइम भी बचेगा और फटाफट हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये साइड में मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा रखा है, अब हम रोल बनाते हैं। तो गाइस, रोटी ले ली है। अब ये ना हमने आलू का पेस्ट बनाया था, तो मैं इसके ऊपर रख दूंगी इसे, अच्छे से दबा देंगे पूरी रोटी के ऊपर है ना, ये आलू की सब्जी है ना डाल दूंगी। गाइस, इस सब्जी को हमने ना अच्छा सा रोटी के ऊपर फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नाइफ की मदद से इसके ना लंबे लंबे इस तरह करके ना पीस काटेंगे सारी रोटी के, जिसमें से ना चार पीस बनके तैयार होंगे। अगर इससे छोटी रोटी होती है तो उसके रोल सही नहीं आते हैं। अगर आपको ये बनाना होता है तो आप इस तरह की रोटी भी बना के रख सकते हैं, बड़ी सी बहुत अच्छी बनती है ये। आराम से रोटियां निकाल देती हूँ। क्या करेंगे, ये घोल है ना, अब मैं इसके अंदर छोटे टुकड़ों को रोटी रोल फेंट दूंगी अच्छे से, और ये कढ़ाई में हम डाल देंगे। हम सारे रोल डाल देंगे। तो गाइस, मैंने इसमें सारे रोटी रोल लगा दिए। अब इसको आराम से पलटना है, इनकी अंदर की है ना
मटेरियल बाहर नहीं निकल आए गाइस, बहुत ही आराम से पलट तो इसको पलट देती हूँ। सारी रोटी हमें ना ऐसे ही पलट देंगे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे से सेक लिए हैं, ये कसन को और गोल्डन ब्राउन हो जाने दें तभी हम बाहर निकालें, और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो खाने में कितने अच्छे होंगे ये, आपके घर में ना एक भी रोटी नहीं बचेगी, आपको एक्स्ट्रा रोटी बना के भी रखनी पड़ेगी इस वाली रोल के लिए। बस इनको ना पलटने का काम थोड़ा आराम से करना है, क्योंकि इनके ना सब्जी जो हमने आलू का पेस्ट भरा हुआ है ना वो बाहर निकल आएगा, तो आप आराम से ही रखें इनको। सब मेरी ये तल चुकी है, इनको मैं लेती हूँ बाहर। तो फाइनली गाइस ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इनकी आप देख रहे हो स्टफिंग बाहर बिल्कुल नहीं निकली है ना, तो उसको ना मैंने कम गैस पे सेका है, वो अच्छे से बाहर लेती हूँ। इसमें जितना भी ऑयल है ना वो टिश्यू पेपर में एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, तो आप इसको ना टिश्यू पेपर ना हो तो कोई न्यूज़ पेपर वगैरह आता है ना उसका ना आप पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है। और मैं ये एक एक करके सबको निकाल दूँ। तो गाइस फाइनली मेरे रोटी रोल बनके तैयार हो गई है, और आप देख रहे होंगे इतने स्वादिष्ट बनी है, जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे। और आप सबको इनके आवाज भी सुना देती हूँ मैं, ये देखो आप अपने घर में ना रोटियाँ बना के एक्स्ट्रा जरूर रखेंगे, आप इस रेसिपी को देखने के बाद जरूर आप ट्राई करेंगे इसको। और गाइस ये खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है जितनी ये बनाने में सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे अगर रोटी नहीं खाते तो इस बहाने से आप रोटी भी खिला सकते हैं, आप इनकी आवाज भी सुन सकते हैं, और ये ना बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं आप इनको, है ना आप है ना 4-5 घंटे तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे, और है ना वो सॉरी ठंडे तो हो जाएंगे लेकिन एकदम करारे बने रहेंगे। और आप देख सकते हैं इनका ना आलू का पेस्ट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, क्योंकि हमने ना मैदा का हल्का सा कोटिंग किया था ना, बस इसीलिए ये ना इतने अच्छे बने हैं और एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। जो हमारे घर में रखा हुआ सामान रोज रोटियां तो बनाते हैं, आलू भी बचता है हमारा, तो बस वो सारी चीजें यूज हो जाती है। सबसे मेन बात है कि हमारे बच्चे रोटी सब्जी दोनों इसी रेसिपी के अंदर खा सकते हैं। गाइस आप उनको है ना ये रोटी रोल जरूर बना के खिलाना, आपके बच्चे बोलेंगे मम्मा आप प्लीज हमारे लिए रोटी की जगह आप यही बनाए। तो गाइस आप अपने बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसको आप लाइक करना। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।